हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Z1X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है टच वाइब्रेशन सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, और ये टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज को आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को आप ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा टच वाइब्रेशन। टच वाइब्रेशन इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है। तो ये बटन आपका जो है ब्लैक कलर में इस तरीके से ऑफ हो जाएगा, यानी कि सेटिंग ये आपकी इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी। अभी इस टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन में किसी भी पेज को आपने ओपन कर रखा है या फिर किसी भी ऐप को आपने ओपन कर रखा है, अगर आप उसके अंदर जो है ना किसी भी ऑप्शन को या किसी भी बटन को अगर आप टच करेंगे ना, तो आपका मोबाइल फोन जो है वाइब्रेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना टच वाइब्रेशन सेटिंग डिसेबल करने के बाद इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फोन में। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप ये टच वाइब्रेशन सेटिंग को अपने मोबाइल फोन में आप शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का आपको ये सेटिंग पेज फिर से ओपन कर लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग से सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन का, इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है टच वाइब्रेशन, ठीक है। तो आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा टच वाइब्रेशन का। यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाता है और सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।